What is up guys? मैं सुबह जल्दी इसलिए उठा क्योंकि आज मेरा पार्सल आने वाला था और मेरा पार्सल आ गया। शास्त्रों में लिखा है पार्सल छोटा है और बड़ा, उसका अनबॉक्सिंग जरूर करना चाहिए। तो आप भी बताइए मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। पहले आया हमारा बॉक्स चीर फाड़ करने का हथियार, अनबॉक्सिंग शुरू। वहां से मारा वो प्रिसीजन से दोस्तों काटना चाहिए हमें, कोई बात नहीं। वाह वाह, पीला पदार्थ अंदर, पीला पदार्थ। वो देखने में तो सेम लग रहा है बॉक्स, इट्स हैवी। मुझे लगा था ये प्लास्टिक का बिल्ड होगा इसलिए बहुत हल्का होगा, लेकिन ये लिटरली बहुत हैवी है। कुछ गिरा दोस्तों, पहले मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी पे शक था लेकिन अब नहीं है, अच्छा लग रहा है। 360 डिग्री और 180 डिग्री साइडवेज, साफ सफाई कर लेनी चाहिए मुझे। ये इन्होंने गाड़ी एक फ्री दिया है हमें, मजाक कर रहा हूँ। ये इसका रिमोट है जो आप इससे फोन कंट्रोल कर सकते हो, एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इसमें, और बाकी किसी में ये फीचर मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था उसका रिव्यू बहुत अच्छा था। इसके बॉक्स पे वही स्पेक्स लिखे हैं इसके, मैक्सिमम लोड 1 kg, मिनिमम हाइट 240 मिलीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर कन्वर्जन आता है मैथ का स्टूडेंट। वेट 0.149 kg, मतलब ये 150 ग्राम के पास का इसका वेट है। सेक्शन 10 sections, मतलब ये 10 मटेरियल प्लास्टिक, लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, मेरा विश्वास मानिए। इसका वेट है, पता चल रहा है कुछ पकड़ा है हाथ में, गलत मतलब मत निकालना। लाइट वेट DV ट्राईपॉड DRD 260 GT, पोर्टेबल स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। बकवास, तीन टांगों वाला। ए सीधा कैसे होता तू? हाँ ये रहा, इसकी टांग को आप कहीं से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं। अच्छा कुत्ता टेक रहा है। अब ये लग रहा है कि ये होल्ड कर सकता है फोन को, लेकिन पहले देखते हैं इसकी होल्डर कैसी है। इसमें कुछ ऐसा चीज मिला है, अगर ये कहीं यूज हुआ तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ये टूटा हुआ है। जब भी हम ये स्टैंड्स खरीदते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चीज की क्वालिटी, ये आपका फोन का होल्डर। ये आपके सांस को रोक सकता है, आपको हार्ट अटैक दिला सकता है, क्योंकि अगर आपने महंगा फोन यूज किया मेरी तरह नहीं तो फिर आपको ये अलग से परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये कब, मुझे नहीं लग रहा ये फोन को अच्छी तरह होल्ड कर पाएगा। अभी चेक करता हूँ, मेरा शक गलत निकला दोस्त। मिस्टर ब्लॉगर, अगर आपने कुछ इसको छुआ नहीं और फोर्स नहीं लगाया तब ये बहुत स्टेबल है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसको आगे पीछे किया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे फोन में गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। सो इसको दो तरह से आप माउंट कर सकते हैं, एक इस साइड से और एक एक इस साइड से। जैसे एक बार ऐसे पकड़ के रखेगा आपका फोन और एक बार ऐसे पकड़ के रखेगा, पता नहीं है क्या भगवान को दिखे। कोई बात, बात कर लेते हैं इस रिमोट के बारे में। अब इस रिमोट के बारे में जो भी कहूँ कम है, क्योंकि इस हिसाब से कि आपको बार बार फोन को छूना नहीं पड़ेगा। यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर इसका, अगर आप iOS यूज करते तो इस बटन को यूज करेंगे, और अगर आप एंड्रॉयड यूज करते तो इसको यूज करेंगे। लेट मी शो यू। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरा, मैंने इसको सेटअप कर लिया, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। तो अगर मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसे दबाऊंगा और रिकॉर्डिंग शुरू। वाह दोस्तों वाह, क्या टेक्नोलॉजी है। और ये रिकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, सच बताऊं तो, क्योंकि मतलब बार बार फोन को छूना इज नॉट वेरी ईजी। अगर आप कहीं बाहर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बार बार फोन को छूकर पॉज प्ले करना है तो आपको बहुत, मतलब बहुत सारे कट्स देने पड़ेंगे अपने वीडियो में।
लेकिन इससे बहुत इजी हो जाता है। अब फोटो को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये आ गए सब फोटोज, एक सेल्फी। ये वीडियो मैं गोरिल्ला प्लॉट से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेक करने के लिए। आप ही बताना कैसा है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग, कितना इमेज स्टेबलाइजेशन देता है ये। वैसे हैंडी बहुत ज़्यादा है ये, सच बता दो, और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है मुझे। ये वैसा नहीं है कि बहुत सारे मैंने देखे थे यहाँ लोकल मार्केट्स में, मैंने चेक किया था वहाँ पर, इतना वेट नहीं था उसका और वो इतना स्टिफ नहीं था। ये स्टिफ है, ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन को सीधा रखा है तो वो टेढ़ा हो जाएगा। सो या इट्स गुड, आई विल रिकमेंड दिस। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एकदम डिसेंट क्वालिटी का है, खराब नहीं होगा मुझे जितना लगता है। रिमोट दिया, प्लस पॉइंट। ये अगर आप महंगा फोन यूज कर रहे हैं तो चेंज कर लेना, ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट। सो यही था यहाँ का, 500 रुपए में ताजमहल तो अनबॉक्स नहीं कर सकता। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय टाटा।